तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आपका यहाँ पदार्पण हुआ और आपके यहाँ पधारने पर हम सारे चाहे मलानी शिवंशी और पूरा बाड़मेर जिला बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। महाश्रमण की जय हो। आपका नागरिक अभिनंदन बाड़मेर वासियों के लिए, बालोतरा वासियों के लिए ये अवसर बहुत ही प्रेरित करने वाला अवसर है। महाश्रमण की जय हो। ये हमारे बाड़मेर जिले के लिए एक बहुत ही हर्ष का विषय है, बहुत ही सौभाग्य का विषय है, बहुत ही आनंद का विषय है कि हमारे इस जिले में आचार्य श्री पधारे हैं। और मैं अपने को बहुत अधिक सौभाग्यशाली मानती हूं कि मेरे इस यहाँ की कलेक्टरशिप के दौरान आचार्य श्री का यहाँ पे पदार्पण हुआ। महाश्रमण की जय हो। आज आचार्य श्री महाश्रमण जी का आशीर्वाद मिला है तो इससे ज्यादा मेरे जीवन में आगे बढ़ने के लिए और खुशी का कोई अवसर नहीं हो सकता। शांतिदूत महातपस्वी युवा मनीषी तेरापंथ धर्म संघ के 11वें आचार्य श्री महाश्रमण जी के औद्योगिक नगरी बालोतरा की धरा में पधारने पर बालोतरा नगर पालिका में सभी नागरिकों की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन। जन जन के मन में व्याप्त मिर के तुम हो मुक्ति प्रदायक हे महाश्रमण युग नायक। हम लोग जगह जगह घूमते हैं और विभिन्न जिलों की यात्रा करते हुए कुछ दिन पूर्व बाड़मेर जिले में प्रवेश किया आना हुआ और जो निर्धारित कार्यक्रम है उसके अनुसार महीनों महीनों तक हमें बाड़मेर जिले में प्रवास करना है और बाड़मेर जिले की यात्रा में अभी बाड़मेर जिले का एक प्रमुख क्षेत्र बालोतरा वहां हम आए हैं और जहां परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने मर्यादा महोत्सव किया था और जहां परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने चतुर्मास किया था तो गुरुदेव तुलसी की मर्यादा महोत्सव भूमि और चतुर्मास भूमि में हम कुछ दिनों का लगभग एक महीने का प्रवास करने के लिए आए हैं। मैंने कल बालोतरा के लोगों से कहा था कि मैं आया हूं बालोतरा के बाजार में से आया हूं तो मैंने कहा कि भी बालोतरा के बाजार में नैतिकता की देवी विराजमान रहे, दुकान में नैतिकता रहे और देवियां उनकी फोटोज रहे तो कोई आपत्ति की बात नहीं, पर और देवियों की फोटो आप रखें न रखें आपकी श्रद्धा आस्था की बात है, पर नैतिकता की देवी को तो जरूर विराजमान रखें और उसके लिए किसी फोटो की अपेक्षा नहीं है। वो मन में नैतिकता विराजमान हो जाए कि दुकान में अनैतिकता नहीं होगी, दुकान में कोई भी ग्राहक आ जाए उसके साथ नैतिकता पूर्ण बर्ताव होगा। और मैंने कहा था कि अहिंसा की देवी हमारे व्यवहार में विराजमान रहे, हम किसी के साथ व्यवहार करें तो अहिंसा और मैत्री झलकनी चाहिए और हमारा व्यवहार हिंसा पूर्ण नहीं अहिंसा पूर्ण व्यवहार होना चाहिए। तो बालोतरा जैसा एक नगर, उद्योग नगर जहां हम आए हैं और हम बालोतरा के लोगों से और भी आसपास के क्षेत्रों के लोगों से कुछ बता सकेंगे, कुछ उनको भी सुन सकेंगे और हम चाहते हैं यह प्रवास बालोतरा का बालोतरा के लिए और आसपास के क्षेत्रों के लिए एक शांति और सुख का और ज्यादा प्रतिष्ठापन करने वाला हो, क्योंकि जहां नैतिकता का विकास होता है
जहां अहिंसा का विकास होता है वहां शांति रहती है और वहां और भी विकास हो सकता है। हम बालोतरा में आए हैं और बालोतरा की जनता के प्रति हमारी मंगल कामना है कि बालोतरा की जनता खूब अहिंसा, नैतिकता, आध्यात्मिकता के क्षेत्र में विकास करे और बालोतरा और बाड़मेर जिले में खूब अच्छी शांति बनी रहे और हमारा यहाँ रहना बालोतरा और जिले के विकास में, आध्यात्मिक विकास में योगभूत बन सकेगा तो हमारे लिए और एक आध्यात्मिक संतोष की बात हो। चमके है तपसी रो दीदार संयम री शक्ति तपशा निराली रे तपशा निराली रे देखो खुल जावे सुरगारा भी द्वार। तपस्या कर्म निर्जरण की वैतरणी तपस्या भव सागर की शुभ तरणी तपस्या आत्मानंद का निर्झर तपस्या ऊर्ध्व चेतना का गिरधर मिट जाते जन्मों के बंधन करते देव असुर भी वंदन ऐसा यज्ञ महाबलशाली तप की महिमा अजब निराली तपस्या निराली। जैन समाज में संभवतः हजारों भाई बहने साधु साधनिया बरसी तप करते हैं लेकिन उनका बरसी तप भगवान जितना कठोर नहीं होता। भगवान निराहार रहे, भोजन नहीं किया, पानी भी नहीं पिया। अब जो लोग बरसी तप करते हैं, कुछ कुछ लोग चौबीहार भी करते हैं, लेकिन एक दिन तपस्या करते हैं और एक दिन भोजन करते हैं, तो यह एक वैकल्पिक समाधान साधना का उन्हें मिला और इस क्रम से सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों व्यक्तियों को तपस्या के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिला। लोगों में बरसी तप करने की एक होड सी लग गई और विशेष रूप से शिवांची मालानी के श्रावक श्राविकाओं ने अपूर्व उत्साह दिखाया है और उन्होंने तपस्या करके परम पूज्य आचार्यवर के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आचार्यवर को यह भेंट देने की बात सोची है या आचार्यवर के इस अक्षय तृतीया के कार्यक्रम को अपूर्व कार्यक्रम के रूप में समायोजित होने में योग देने का लक्ष्य बनाया है तो वे ही जाने, लेकिन ऐसा मानना चाहिए कि अब तक जितने भी पारने हुए हैं इस बार कीर्तिमान बन रहा है। तो तपस्या आत्मशुद्धि का साधन है। परम पूज्य आचार्यवर की मंगल सन्निधि में सैकड़ों सैकड़ों लोग अपने वर्ष तप का समापन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। में साधु भी है, साधुया भी है, समनिया भी है, भाई बहने हैं, सब में एक उत्साह है और सबसे बड़ा उत्साह यह है कि परम पूज्य आचार्यवर की सन्निधि में उनकी तपस्या का समापन हो रहा है। तो परम पूज्य आचार्यवर का आशीर्वाद, इतने लोगों की मंगल भावनाएं उनके जीवन में अध्यात्म के कुछ नए क्षितिज खोलेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ। आज अक्षय तृतीया का यह पवित्र दिन और यूं मानना चाहिए कि इस अवसर पीढ़ी में
सुपात्र दान के प्रारंभ का दिन आज का दिन है। आज से पहले सुपात्र दान इस अवसर पीढ़ी में किसी ने नहीं दिया, भगवान के प्रपोत्र श्रेयांश कुमार ने भगवान को इक्षु रस का दान देकर, और यूं कहना चाहिए कि उनके द्वारा सुपात्र दान का प्रारंभ हुआ। आचार्य श्री महासमण जी की सन्निधि में बालोतरा में यह बरसी तप का उपक्रम, और जैसा अभी बताया गया कि आज तक अपने यहां आचार्य वरों के सन्निधि में होने वाले पारणों की संख्या में बालोतरा का ये पारणा का उपक्रम कीर्तिमान बना हुआ। तप शनिराली रे देखो, आज की तिथि अक्षय तृतीया कहलाती है। आज बालोतरा में वर्षी तप संपन्न हो रहा है, और कितने कितने लोगों ने कितने उत्साह के साथ वर्षी तप किया होगा, और उन सभी को साधुवाद है, और हम साधना में आगे बढ़ने का प्रयास करें, अपनी आत्मा की निर्मलता को बढ़ाने का प्रयास करें। ऐसा क्रम चलता है तो वह क्रम हमारे लिए श्रेयस्कर हो सकता है, और हमारी साधना और अधिक उज्ज्वलता और निर्मलता को प्राप्त हो सकती है। हम वर्षी तप जैसे अनुष्ठानों के द्वारा अपनी साधना को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। नेमानंदन झेलो वंदन अभिनंदन आज करें, हम साथ बढ़े इतिहास गढ़े चिहुं दे। नवमी की ये रात है, खुशियों की सौगात है, चरणों में करने नमन, अमृत की बरसात है। भाग्य का महाश्रमण की जय हो।